हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और यही उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ मार्केट। आज सुबह से बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ बिज़ी थी और डेली का जो रूटीन वर्क होते हैं वो सब करके मैं अभी फ्री हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। और मैं थोड़ी देर पहले ही निकल जाती, लेकिन मायरा के मौलाना साहब आते हैं तो उनके लिए मुझे वेट करना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इन सब चीज़ में बच्चों की छुट्टी बहुत हो जाती है। अभी मैं मार्केट जाऊंगी तो मुझे जो हमारी मैम आती हैं, जो मायरा की टीचर आती हैं, तो उनकी छुट्टी करानी पड़ी। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। और रोज़ा रखा हुआ है और ज़्यादा धूप में भी नहीं जा सकती क्योंकि अब दिल्ली में गर्मी बढ़ चुकी है। और अभी मैं मतलब अभी फिर भी थोड़ा मौसम ठीक है। तो आप सोचोगे मैं मार्केट जा रही हूँ फिर भी मैं इतनी सिंपल जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे ना रमज़ान में पर्सनली कुछ करना पसंद नहीं आता है। क्योंकि रोज़े से होती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं लिपस्टिक लगाऊँ, मुझे नहीं लगता मैं फाउंडेशन यूज़ करूँ या कोई भी चीज़। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ भी नहीं लगाया है। और मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं पूरे रमज़ान मेकअप नहीं करती हूँ। इंशाल्लाह ईद के दिन ज़रूर करूँगी, मैं ईद के दिन ही करती हूँ। पूरे रमज़ान में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा मन करेगा तो मैं काजल लगा लेती हूँ। और अभी जैसे रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में वैसे भी मैं मतलब उतना ज़्यादा मेकअप प्रिपेयर नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हर टाइम मेकअप में रहना चाहिए, मुझे मेकअप उतना पसंद नहीं है। कहीं जाओ थोड़ा बहुत लगा लो, हो गया। लेकिन मैं ऐसे ही रहती हूँ। और जैसे भी मैं मार्केट जा रही हूँ तो नॉर्मल डे होता तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती, लेकिन हाँ रमज़ान का टाइम है तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ। मैं पूरे रमज़ान मेकअप नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। आप देख सकते हो, ये देखो रोज़े रखने के कारण ना मेरा होंठ फट रहा है, मैंने लिप ग्लॉस भी नहीं लगाया। देखो है तो मैं अभी निकल रही हूँ मार्केट के लिए और फिर मैं आपसे मार्केट में मिलूँगी। मुझे बहुत लोग बोलते हैं अगर आप वीडियो बनाते हो तो थोड़ा मेकअप कर लिया करो, कुछ कर लिया करो, लेकिन मुझे मैंने रमज़ान में स्टार्ट किया है तो मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हाँ रमज़ान के बाद मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ पूरे रमज़ान नहीं करती हूँ। पूरे रमज़ान में नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ईद में ही करूँगी। ईद में करूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। और मार्केट निकल रहे हैं अब और जुहान आ गया सेम। ये देखो मेरा बिस्किट, मेरा चॉकलेट। कहीं जाने से पहले ना इन लोगों को घर से ही कुछ दे दो, नहीं तो रास्ते में ही परेशान करने लगती, मम्मा ये है मम्मा वो। कहीं जाने से पहले ना इन लोगों को घर से ही कुछ दे दो, नहीं तो रास्ते में ही परेशान करने लगती, मम्मा ये है मम्मा वो, मम्मा ये दिला दो। मैंने बोला बेटा घर में ही उसको ही लो चलो, नहीं तो ये परेशान करते हैं बच्चे। मारो लिफ्ट तो बुलाओ, बस लिफ्ट आ रही है और हम निकल रहे हैं। ये देखो भैया, ये हमारे भैया हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत हेल्पफुल भैया हैं और मेरे तो बहुत मदद करते हैं भाई। बस हम निकल रहे हैं, रास्ते में है, चलो आ जाओ भाई। कितनी तेज धूप हो गई, इतनी तेज धूप हो रही है। मैं जुहान को लेकर जा रही हूँ और रोज़ा रखा हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे। अल्लाह का शुक्र है पूरा रोज़ा चल रहा है माशाल्लाह। और इतनी गर्म हवा चल रही है ना, मेरी मम्मा का माशाल्लाह से बहुत सारा रोज़ा चल रहा है आले। और जब मैं 10 साल की होंगी मैं भी सारा रोज़ा रखूँगी इंशाल्लाह। मायरा थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मायरा भी पूरा रोज़ा रखेगी इंशाल्लाह। अभी मैं 7 साल की हूँ। परीक्षा में बैठ गई हूँ और आप देखो कितनी धूप है, परीक्षा में बैठ चुकी हूँ। इतनी तेज़ धूप है ना कसम से पूछो ही मत। मतलब 5 मिनट में बिल्कुल मेरा ऐसा लग रहा हालत ही ख़राब हो गया बिल्कुल। रोज़े में जान नहीं रही हूँ। रोहान में तो रोहान बिल्कुल खोया हुआ है। खोया रोहान, यहाँ देखना रोहान मार्केट देख रहा है। मैं भी 2 मिनट में मार्केट पहुँच जाऊँगी, मेरी आंटी वहाँ वेट कर रही है। 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी बस। आप इतनी देर मार्केट आ गई हूँ और ये मेरा वेट कर रही थी मार्केट आ गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आंटी है।
ईद की शॉपिंग में हम आए हैं। हाँ ये मेरी खाला है, बड़ी खाला है ये मेरी। ये देखो जोहान आके इनके पास चुप हो गया। देखो बच्चे आने के तुरंत ही बाद इन लोग का शुरू हो जाता है। मायरा अभी चलो, अभी हम आएंगे, अभी हम देखो मायरा को पोटा जा रहा है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। आ गए मार्केट। देखो मैंने आने के बाद ही तुरंत ही इनको समा दिया। ले लो भाई बच्चे, ले लो अभी। मायरा चलो, देखो देखो मायरा का। देखो हम अभी देखने आए हैं वहाँ, हमने देखा मतलब ऐसे ही देख रहे थे तो कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे तो खैर। और देखो ये मायरा का आते मार्केट में स्टार्ट हो गई, मुझे ये मुझे वो, और नहीं दिलाया है तो उसका मुंह बन गया। देख रहे हैं जुहान के लिए, ये इनके तरफ से गिफ्ट है, मेरी आंटी की तरफ से जुहान के लिए। जैसे ना मेरे बच्चों को हर साल ईद में मेरे पूरे घर वाले दिलाते हैं, अलग अलग शॉपिंग कराते हैं, तो ये अभी इनके तरफ से है जुहान और मायरा के लिए। और कल मैं मम्मी के साथ आऊँगी फिर। कलेक्शन कर रही है ईद का अपने बच्चों के लिए। हाँ ये ईद का कलेक्शन है मेरे लिए। दिखा दो फिर आप नॉर्मल दिखा, जैसा आएगा वैसा तो दिखा। आगे था बिल्कुल। शाम के बज रहे हैं 6 और देख लो अभी तक हमारी शॉपिंग हुई नहीं है। मेरा हाल हो गया है बुरा, मेरा हाल हो गया है बुरा। ये देख हम आए थे जब कैसे हैं, अब कैसे हैं हम। मैं रोज़ा बाहर में ही खोलूँगी, मैं खोलूँगी तो दिखाऊँगी आपको ज़रूर। मैं एकदम परेशान होगी कसम से, रोज़ा से इतना मुँह सूख रहा है, मतलब इतना ज़्यादा प्यास लग रही है ना, बताओ आपको क्या सच में। अस्सलाम वालेकुम। ओए शिवा भी हम तो बने हुए हैं। अच्छा हम यहाँ पे भूल बनी हुई। और देखो शॉपिंग भी हमने एक एक जगह से ही लिया है, लेकिन हम मिले नहीं, हम मिले मार्केट के अंदर। ये देखो ये सब आ रहे हैं। अब हम साथ में इफ्तार करेंगे, मैं आपको बोल रही थी ना कि अब हम इफ्तार करने वाले, अब हम साथ में इफ्तार करेंगे। इतनी भीड़ है मार्केट में और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लें क्या नहीं लें। नहीं घर निकल चुकी है मैं, और अब अपने घर में अब जा रही हूँ। देखो ये रही मायरा, मैं मिलती हूँ घर पे। देखो कितना बुरा हाल हो गया है मेरा, मेरा भी मायरा का भी हमारा बुरा हाल हो गया। एक्चुअली में क्या मायरा जुहान सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मतलब तो बाल बाल नोच रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब दिमाग ख़राब कर रखा है। हाँ सही बोला मायरा ने, इन दोनों ही में चुल्ला है। बस हम बहुत अब थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी घर, मैं आपको दिखाती हूँ। मायरा सीट रिक्शे पकड़ कर रखो बेटा। हाल हो रहा है बुरा, और मैं अभी घर पे जाके ना परेशान हो जाऊँगी अकेले वहाँ, और मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी और फिर उसके बाद अपने घर जाऊँगी। तो मैं अपने घर गई और टाइम मिला तो मैं आपको अपने घर का ब्लॉग दिखाऊँगी। ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं मार्केट से आ चुकी थी और मैं शूट नहीं कर पाई, मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी क्योंकि रोज़ा रख के इतने देर मार्केट करना, और कल इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि मैं परेशान हो गई थी बिल्कुल।
तो मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल मेरा हाल है ना सब बुरा हो रहा था। और मम्मी के यहाँ भी चली गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी शूट करने का। और अभी बज रहे हैं शेरी का टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आटा गूँधने, आटा नहीं मैदा है, मैदा गूँधने, मैं मैदे के ऊपर आटा बनाने जा रही हूँ। और बहुत दूध चढ़ा रखा है और मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जुहान और मायरा सो रहे हैं, जुहान आवाज़ से उठ जाएगा मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।